जब 3 मुहर्रम के दिन और 4 के शब को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर साद की मुलाकात हो गई तो इमाम अलैहिस्सलाम अपने खैमे और उमर साद अपने खैमे की तरफ चला गया। 4 मुहर्रम अल हराम की सुबह उमर साद ने अपने लश्कर के कमांडरों को बुलाया और उनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इब्ने ज़ियाद मलून के बारे मशवरा के लिए एक मीटिंग की। बातें हो रही थीं और उमर साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेकसूर होने की बात कर रहा था। दुराने मीटिंग अचानक कूफा से इब्ने ज़ियाद मलून का कासद आ पहुंचा और उमर साद के ख़त का जवाब लाया। जूं ही साद ने ज़ियाद मलून के ख़त का मज़मून पढ़ा तो बहुत परेशान हो गया और अपनी गुफ्तगू जो लश्कर के कमांडरों से कर रहा था उसमें शर्मिंदा होने लगा। उमर साद सोचने लगा कि फ़र्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत भी बैत नहीं करेंगे और मैं फ़र्जंदे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ना भी नहीं चाहता और दूसरी तरफ रे की हुकूमत को भी नहीं छोड़ सकता। उमर साद अभी यही सोच रहा था कि कूफा से एक और कासिद आ पहुंचा और इब्ने ज़ियाद मलून का दूसरा ख़त दिया। उसका मज़मून कुछ यूं था, ए इब्ने साद, मैंने इतना बड़ा लश्कर जरार तुम्हें बिला वजह नहीं दिया। खबरदार रहो कि मुझे सुबह शाम तुम्हारे हालात मालूम होते रहते हैं। ए साद, हुसैन अलैहिस्सलाम पर हालात को तंग कर दो ताकि वो जंग करें या यजीद की बैत कर लें। मोहलत नहीं देना और हुसैन अलैहिस्सलाम पर तंगी करने का मतलब ये है कि उसका पानी बंद कर दो ताकि उसको तकलीफ़ हो और वो बैत करे या जंग करे। वस्सलाम। दुश्मन के अल्फाज साफ ज़ाहिर है, तलख ही होंगे, लिहाजा बेअदमी की सही अकासी करना नागजीर था। ख़त पढ़कर उमर इब्ने साद बहुत हैरान और परेशान हुआ और इब्ने ज़ियाद मलून पर लानत करने लगा। उमर साद ने मीटिंग बर्खास्त कर दी और सारा दिन उसकी हालत मुतगैर रही। मौसक रवायात के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुखी दिल और परेशान कफियत में खैमा के दर से 14वीं के चांद की तरह निकले। एक सहाबी से फरमाया, जाओ इब्ने साद से कहो कि मैं दोनों लश्करों के दरमियान तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुलाकात शुरू हुई। साद के मुहाफिज हफ्स और दरीद थे, इमाम अलैहिस्सलाम के मुहाफिज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम थे। उमर साद ने कहा, इब्ने ज़ियाद मलऊन ने कहा है और आज के खतूत में ताकीद की है कि आप अलैहिस्सलाम हर सूरत यजीद नजसुल आयन की बैत करें, अगर बैत नहीं करते तो आप अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दो और आप अलैहिस्सलाम से जंग करके शहीद कर दो। इमाम अलैहिस्सलाम ने बतौर नसीहत फरमाया, हाय अफसोस तुझ पर ए इब्ने साद, क्या तुम अल्लाह ताला से नहीं डरते, क्या तुम्हें क़यामत का यकीन नहीं, बस मर जाना की अतात करते हो और मेरे कत्ल पर कमर बस्ता हो गए हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हारे हाथ मेरे खून में रंगीन हुए तो तुम्हारी नजात हरगज ना होगी। उमर साद ने कहा, मैं कुर्बान जाऊँ, मैं आप अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह जानता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम सबते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरजंदे हैदर अलैहिस्सलाम और जनाबे फातमा अलैहिस्सलाम के दिल का मेवा हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम कोई चारा करें ताकि हम दोनों इब्ने ज़ियाद मलून से बच जाएं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका हल ये है कि इन 3 कामों में से एक काम करो। नंबर 1, मुझे रास्ता दो ताकि मैं मक्का या मदीना की तरफ लौट जाऊं। नंबर 2, मुसलमानों के किसी शहर जाने की इजाज़त दो ताकि वहां एक आम मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजार सकूं। नंबर 3, मुझे इजाज़त दो कि मैं खुद यजीद के पास शाम चला जाऊं। रावी कहता है कि अल्लाह ताला की कसम, इमाम अलैहिस्सलाम ने इन 3 रास्तों के अलावा कोई और बात भी ना की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं बियाबानों में खाना बदोशों की तरह
ज़िंदगी गुजारूंगा और वतन की जुदाई पर सब्र करता रहूंगा। उमर साद ने कहा, मुझे तो हर बात कबूल है, लेकिन वो परकीना काफर इन बातों को तस्लीम नहीं करेगा। मैं अपनी तरफ से सिफारिश लिखूंगा, शायद वो इन रास्तों में से एक रास्ता दे दे।